ये कहानी 1950 के दशक के आसपास की है। रात के सन्नाटे में साय साय आवाज करती ठंडी हवा के बीच एक घोड़ा गाड़ी जंगल के बीचों बीच से बड़ी तेजी से चली जा रही थी। कोचवान नंदू घोड़ा गाड़ी को बड़ी तेज भगा रहा था, मानो वो उस जंगल के रास्ते से बड़ी जल्दी गुजर जाना चाहता हो। तभी अचानक एक पुलिस वाला घोड़ा गाड़ी के सामने आ गया। अचानक पुलिस वाले को सामने देखकर कोचवान ने घोड़ों को लगाम दी। तांगा डिसबैलेंस हो गया और तांगे में बैठी ठाकुर विजेंद्र की बहन दिव्या गिर गई और घोड़े बिदक कर भाग गए। आपको चोट तो नहीं आई छोटी मालकिन? मैं ठीक हूँ नंदू। ये क्या तरीका है दारोगा बाबू, आधी रात को हमें यहाँ क्यों रोका गया? उस पुलिस वाले की आंखें अंधेरे में अजीब से अंदाज में चमक रही थी। पुलिस वाला हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तेरा तांगा रोकने का। तुम नहीं जानते दारोगा, मैं ठाकुर विजेंद्र का कोचवान हूँ और ये उनकी बहन दिव्या। अगर ठाकुर को मालूम हो गया तो तुम्हारी दरोगाई निकाल देंगे। विजेंद्र का नाम सुनकर पुलिस वाला हंसने लगा। अंधेरी रात में उस पुलिस वाले के चमकते हुए दांत बड़े खौफनाक लग रहे थे। ठाकुर की बहन की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, तुम्हारे घोड़े तो वैसे भी भाग गए। चलो यहाँ से, मेरा थाना नजदीक ही है, तुम दोनों को सुबह कुछ पुलिस वालों के साथ घर भेज दूंगा। आधी रात में यहाँ खूंखार आदमखोर भेड़िए घूमते रहते हैं। कोचवान के पास उस पुलिस वाले की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। नंदू और दिव्या उस पुलिस वाले के पीछे चल दिए। कुछ देर बाद वो दोनों एक टूटे फूटे वीरान उजाड़ खंडहर में खड़े हुए थे। दिव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी। नंदू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये तो कहीं से भी पुलिस स्टेशन नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम सही कहती हो छोटी मालकिन, इस जगह पर मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी उन दोनों के कानों में पुलिस वाले की आवाज टकराई, जो एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया था। क्या सोच रहे हो तुम दोनों, यही कि यहाँ पर मेरे अलावा और कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है? दरअसल ये बहुत पुराना पुलिस स्टेशन है नंदू। उस पुलिस वाले की जुबान से अपना नाम सुनकर नंदू बुरी तरह से चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं। नंदू के इतना कहते ही अचानक उस पुलिस वाले का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें बेहद चौड़ी और बड़ी हो गई और उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया। देखते ही देखते नंदू और दिव्या की चीखें सन्नाटे को चीर गई। सुबह उन दोनों की लाश पुलिस वालों को उसी खंडहर के बाहर मिली। ठाकुर विजेंद्र एक जवान व्यक्ति था, उसका रो रो कर बुरा हाल था। दिव्या का अंतिम संस्कार करा दिया गया। दूसरे दिन ठाकुर ने अपने खास दो आदमी रतन और बिरजू को हवेली में बुलवाया। रतन और बिरजू, मुझे सिर्फ तुम दोनों पर भरोसा है, मुझे नहीं लगता पुलिस उस कातिल को पकड़ पाएगी। तुम दोनों अपने तरीके से पता लगाओ कि आखिर मेरी बहन और कोचवान को किसने मारा। सच में ठाकुर साहब, दिव्या बहन को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन आपके कुल के साधु महाराज बोल रहे थे कि मुझे साधु वादों पर कोई भरोसा नहीं है। उस जालिम कातिल ने मेरी बहन को मार कर उसके शरीर का मांस तक नोच लिया। तुम दोनों उसी जगह पर जाकर नजर रखो जहां मेरी बहन की लाश मिली है। रात के अंधेरे में बिरजू और रतन अपने अपने घोड़े लेकर उस खंडहर की ओर चले गए। कुछ ही देर में वो दोनों उस खंडहर के अंदर हाथों में मशाल लिए इधर उधर देखने लगे। तभी उस खंडहर में अचानक एक बहुत बड़ा चील नुमा पक्षी उड़ता हुआ आया और बिरजू की पगड़ी अपनी चोंच में दबाकर चला गया। इतना बड़ा पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे तो लगता है बिरजू कि ठाकुर साहब की बहन को किसी इंसान ने नहीं मारा। तू सही कह रहा है रतन, मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों को जल्द से जल्द इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहिए। तभी अचानक उन दोनों के कानों के पीछे से एक आवाज टकराई। तुम दोनों अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने वही पुलिस वाला खड़ा हुआ था।
और उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कौन हो तुम? मैं यहाँ का थानेदार हूँ। मैं इस गांव के थानेदार को जानता हूँ। मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। अचानक उस पुलिस वाले का चेहरा दूसरे चेहरे में बदल गया। उस चेहरे को देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। देखता क्या है रतन, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग। रतन को उस भयानक चेहरे को देखकर चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाले ने बिरजू को चीर फाड़ कर रख दिया। कुछ ही देर बाद रतन की आंख अचानक खुल गई और वो सम्मोहित सी अवस्था में अपने घोड़े पर बैठकर ठाकुर विजेंद्र की हवेली में पहुंच गया। अचानक मौसम बदल गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था रतन, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? बिरजू कहाँ है? बिरजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? लेकिन कैसे? क्या हुआ उसके साथ? किसने मारा उसे? वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन आपके लिए खुशी की बात भी है। मैंने ये पता लगा लिया है कि आपकी बहन को किसने मारा। किसने मारा मेरी बहन को? आपकी बहन को किसी और ने नहीं, बल्कि थानेदार मक्खन सिंह ने मारा है। लगता है तू चढ़ा कर आया है रतन, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भूल गया कि थानेदार मक्खन को मार कर मैंने ही उसे अंधे कुएं में फेंकवाया था और उसके लाश को तुम दोनों ही फेंक कर आए थे। विजेंद्र ने अपनी बात पूरी की ही थी कि अचानक रतन ने अपना चेहरा ऊपर की ओर कर लिया। रतन का चेहरा देखकर विजेंद्र बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि उसके सामने रतन की जगह थानेदार मक्खन सिंह खड़ा हुआ था। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके हो, तुम्हें मैंने अपने ही हाथों से मारा था, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? सही कहा तुमने ठाकुर, तुमने मुझे अपने इन्हीं दोनों हाथों से मारा था। तुमने ना जाने कितने इस गांव की बहु बेटियों की इज्जत रौंदी, क्योंकि तुम हर थानेदार को खरीद लेते थे, और जब मैं नहीं बिका तो तुमने मुझे मार कर अपने साथियों की मदद से उस अंधे कुएं में फेंकवा दिया। मगर तुम शायद नहीं जानते कि वो अंधा कुआं शापित था। शापित कुआं? क्या कहना चाहते हो तुम? अमावस की रात को कोई भी मृत व्यक्ति या जानवर उस कुएं में अगर फेंका जाता है तो वो एक पिशाच बन जाता है। तुमने मुझे जिस रात मारा था वो एक अमावस की रात थी। तभी वहाँ पर ठाकुर विजेंद्र सिंह के कुल के साधु की आवाज सुनाई दी। विजेंद्र को छोड़ दे मक्खन सिंह, मैं जानता हूँ कि विजेंद्र एक अय्याश और तेरा हत्यारा है। इसे इसकी सजा कानून देगा। तू कौन होता है इसे सजा देने वाला? इसने मेरी हत्या की है। इसने जब तेरी हत्या की थी तब तू एक शरीफ इंसान था, मगर अब तू एक पिशाच है। तूने दिव्या को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? भला उस बेचारे का इन सब में क्या दोष था? मैंने अपनी तंत्र शक्तियों से पता लगा लिया था कि तेरी हड्डियाँ उस अंधे कुएं में पड़ी हुई हैं। मैं तेरी हड्डियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। वो जैसे ही साधु की ओर झपटा, साधु ने उन हड्डियों को अपने मंत्रों द्वारा आग लगा दी। मक्खन सिंह बहुत बुरी तरह चीखने और तड़पने लगा। अचानक रतन मृत अवस्था में गिर पड़ा और मक्खन सिंह की आत्मा धुआं बनकर उड़ गई। दूसरे दिन ठाकुर विजेंद्र को पुलिस ने थानेदार मक्खन सिंह की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मक्खन सिंह की तलाश कई दिनों से जारी थी। अब पुलिस को पता लग चुका था कि मक्खन सिंह की हत्या हो चुकी थी।